नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूं। लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं। हर वीडियो बैक टू बैक आ रही है आपके अपने प्रॉब्लम्स के लिए, आपके पूछे गए सवालों पर। दोस्तों आज की वीडियो भी एक जबरदस्त सवाल पे है। एक वीडियो डाली थी मैंने, कस्टमर को कॉल कैसे करें, इस पे इतने ज्यादा कमेंट आए आप लोगों के। आपने बोला सर फॉलो अप कैसे करें। एक बार फिर से जबरदस्त वीडियो लेके आ गया हूं आपके इस क्वेश्चन के जवाब में कि आखिर कैसे करें कस्टमर का फॉलो अप। बने रहिएगा मेरे साथ, दूंगा इस वीडियो में जबरदस्त पॉइंट्स जो कि काम आने वाले आपके कस्टमर के फॉलोअप के लिए। चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं, जानते हैं क्या वो तरीका, क्या वो टेक्निक है जिससे आप कस्टमर का ले सकते हैं एक बहुत ही अच्छा फॉलोअप। दोस्तों सबसे पहले समझना होगा फॉलोअप की जरूरत कब कब पड़ती है। पहला, सेल्स क्लोजिंग के लिए आपको फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। आप अक्सर कस्टमर से फर्स्ट टाइम बात करने के बाद सेकंड टाइम जो कॉल करते हैं दैट वी कॉल्ड फॉलोअप कॉल। वीडियो ज्यादा ना लंबी हो जाए इसका ध्यान रखते हुए आज मैंने सिर्फ एक फॉलोअप कॉल के बारे में बात किया जो कि है सेल्स क्लोजिंग के लिए। ध्यान से समझिएगा क्या है वो पॉइंट्स, कैसे आप एक जबरदस्त सेल्स क्लोजिंग की फॉलोअप ले सकते हैं और कैसे अपने सेल्स को जल्द से जल्द फॉलोअप कॉल में ही, सेकंड कॉल में ही क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों एक अच्छे फॉलोअप कॉल की शुरुआत आपके फर्स्ट कॉल पे होती है। आपको दो चीजें कर सकते हैं आप फर्स्ट कॉल पे, या फिर आप कर सकते हैं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, या फिर आप बन सकते हैं सीरियल के फेमस डायरेक्टर एकता कपूर जी। आपने इन दोनों कंडीशंस को ध्यान से समझिएगा। आपकी हर वर्ड, अगर मैं बात करूं कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इतना फेमस हुआ कि ना चाहते हुए भी मूवी ने बहुत सारी रेटिंग्स बटोर ली और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उसके सेकंड कॉल का, मतलब सेकंड पार्ट का। एकता कपूर जी की सीरियल भी ऐसे ही होता है कि जब ब्रेक आया तो कुछ ऐसे पॉइंट पे ब्रेक होते हैं जहां पर आप चाहकर भी छोड़ के उठ नहीं पाते। तो ये अगर आपने अपने फर्स्ट कॉल में क्रिएट कर लिया कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे ब्रेकर्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपने अपने क्लाइंट के दिमाग में अगर डाल दिया तो आपका क्लाइंट कनेक्ट करेगा आपसे और आपको भूल नहीं पाएगा। इवन फर्स्ट मीटिंग में ही आपका नंबर अपने मोबाइल फोन पे सेव कर लेगा और यही आपके लिए एक सक्सेसफुल फर्स्ट कॉल होता है। यहीं से जन्म होता है आपके फॉलोअप कॉल का भी। दोस्तों अगर आपने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और एकता कपूर वाला काम किया तो डेफिनेटली अगर आपने 10 कॉल किए तो 10 में से 3 की कॉल आपके पास खुद रिसीव हो जाएंगे, बचे हुए 7 को अब आपको कॉल करना है। अब फॉलोअप कॉल के दौरान कौन सी ऐसे पॉइंट्स है, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको रखनी है ध्यान जिससे आप कर सकते हैं सक्सेसफुल क्लोजिंग फॉलोअप कॉल। सबसे पहला पॉइंट, बिहेव लाइक अ फैमिली पर्सन। मतलब जब आप कॉल करें तो उसको ये एहसास होना चाहिए, उसको ये फील आना चाहिए अरे ये तो मुझे जन्मों से जानता है या फिर ये तो मुझे बहुत दिन से जानता है। जैसे कि और सर क्या कर रहे थे, और क्या कर रहे हैं सर, अभी क्या प्लान कर रहे हैं, किस हिसाब से चल रहा है लॉकडाउन। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उसकी स्थिति पूछिए, वो टीवी देख रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाद। इससे क्या होता है आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है और कस्टमर को ये फील आता है कि अरे ये तो वही है जिसने मुझे कॉल किया था, ये तो अपने हैं, ये तो बहुत ही पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। दूसरे पॉइंट में आप ये कोशिश कीजिए पता करने की कि जो आपने फर्स्ट कॉल पे चीजें बताई हैं या फिर जो उनको वीडियोस भेजे, जो चीजें शेयर की हैं अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, क्या उन्होंने वो देखा। उनसे कुछ बेसिक सवाल कीजिए आपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर मैंने भेजा था कैसा लगा, सर क्या उसमें बेस्ट पॉइंट थी, क्या चीजें थी, कैसे आपने उसको समझा, क्या आपको नहीं समझ में आया। उससे क्या होगा आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी और आपको ये भी समझ में आएगा क्लाइंट ने इतना सीरियस लिया आपको। अगर उन्होंने नहीं स्टडी किया तो ज्यादा उन्हें परेशान मत कीजिएगा क्वेश्चंस के साथ, उन्हें बताना शुरू कीजिए। आप उन्हें एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए अपने भेजे हुए मटेरियल्स का, आप उन्हें ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए जो आप उन्हें बताना चाहते थे उसके बारे में। दोस्तों तीसरे पॉइंट पे आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे क्या होता है जब आप अपने कस्टमर को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर चुके हैं तब वो डिस्कस करता है अपनी परेशानियों के बारे में, तब वो बताता है सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, या फिर सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने हैं, कैसे देने हैं कस्टमर के सारे सवालों के ऑब्जेक्शंस के सॉल्यूशन और बना सकते अपने सेल्स को बेस्ट। लेकिन
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और लास्ट है एक धमाकेदार क्लोजिंग, मतलब जहां पे आपने कस्टमर को अपडेट कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दी, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर ली, उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपने दे दिया, वहां पे अब बात करेंगे लास्ट में। सर जब आपको सब कुछ क्लियर है, कोई और डाउट, कोई और तकलीफ, कोई और परेशानी, उसके बाद कस्टमर से हम डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है सर, जब आपका क्लियर हो गया सारा डाउट, जब आपको सारी चीजें पता चल चुकी है, एक काम करता हूं मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज देता हूं, बैंक डिटेल्स भेज देता हूं, जिससे आप पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट करते साथ आपका काम डन सर। उसके बाद प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाएगी या फिर आपके पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको ये पहुंच जाएगा। एक सक्सेसफुल पूरा का पूरा सिनेरियो होता है, ये पूरे चार पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेल्स क्लोजिंग के लिए, आपके फॉलोअप्स के लिए। तो भूलिएगा मत इन चारों पॉइंट्स को, और इन्हें अप्लाई करना मत भूलिएगा। आपके ढेर सारे सवालों के लिए, आपके बहुत सारे प्यार के लिए, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, आगे शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।